खबर पानीपत से है, जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के देश के सबसे अमीर कारोबारी अडानी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही बीजेपी सरकार भी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है, जहां इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान के आह्वान पर कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में जिले स्तर पर गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। जहाँ कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए गौतम अडानी को नाजायज तरीके से मोटी रकम देने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता बुल्ले शाह ने पूरे मामले की सिटिंग जज से जांच करवाने के साथ जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने की मांग की है। बुल्ले शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाजायज तरीके से अरबों खरबों रुपए देकर देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि बात बात में ट्वीट करने वाली मोदी जी इस मामले पर क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियां में 10 लाख करोड़ की कमी दर्ज की गई है। आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। खट्टर सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार। पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जो ये धन अडानी को दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ये लोगों का धन कई खरब रुपए इनको दिए गए हैं नाजायज तरीके से एक ही आदमी को। जो नई रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, जो वो लिखती है हिंडनबर्ग, वो आपको हम अभी पर्चे देंगे। हम ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कांग्रेस ये कह रही है कि इसकी जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए या जेपीसी बनाई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिसमें सब दलों के एमपी हों और वो ये आके अपना वहाँ पे जवाब दें। और इसके लिए कांग्रेस बड़े पुरजोर मांग भी कर रही है, बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री अपना अभियान। जैसे आपको बुल्ले शाह जी ने बताया, ये मोदी सरकार और अमित शाह जी हम तो हमारे दो का नारा लेकर अडानी और अंबानी को जेब भरने का काम, हमारे देश से पैसे निकाल कर इनके जेब भरने का काम कर रही है। LIC SBI ने इनको जिस तरीके से इनके पैसे दिए, इनको पैसे दिए, नाजायज पैसे दिए हैं, ये आपके और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, इस देश के पैसे हैं। इन लोगों ने जो पैसे आज ये जो उठाकर विदेशियों विदेश के बैंकों में डाल दिए हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है 17.8 करोड़ रुपए, ट्रिलियन करोड़ रुपए।